लाइट, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। हिंदुस्तान की फिल्मी दुनिया और हिंदुस्तान के फिल्मी लोग बस लाइट, कैमरा और एक्शन कहते ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब एक बार फिर इसी माया नगरी के कुछ लोगों पर लगता है काले नशे का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। दरअसल हिंदुस्तान में यूं तो कई सुरक्षा और जांच एजेंसियां हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त में एनसीबी का नाम भी काफी चमका था। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक बार फिर चर्चाओं में क्यों आ गया। अब इस शख्स को देखिए, जाहिर है आप अच्छे से पहचानते होंगे, करीब 5 फिल्मों और करीब 4 दर्जन से ज्यादा सीरियल्स में काम कर चुके और बिग बॉस में हिस्सा ले चुके एजाज खान की तस्वीर है ये, जैसे हाल ही में एनसीबी ने अपने शिकंजे में लिया था। दरअसल यहां मामला जुड़ा है ड्रग्स सप्लाई से और वाकया ये कि पिछले दिनों एनसीबी ने जिस शादाब बटाटा को गिरफ्तार किया था और उससे पूछताछ की गई तो एजाज और शादाब के ताल्लुक सामने आए थे, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एजाज खान को मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में लिया था। एनसीबी जांच में सामने आया है कि शादाब ही वह शख्स था जो एजाज तक ड्रग्स पहुंचाता था और एजाज इस ड्रग्स को बॉलीवुड से जुड़े लोगों तक सप्लाई करता था। और इसके बाद अब माना जा रहा है कि इस मामले में जल्द ही कुछ और बॉलीवुड सितारों पर भी शिकंजा कस सकता है। हालांकि एनसीबी एजाज और शादाब को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है, इसलिए अदालत ने 3 अप्रैल तक एजाज को एनसीबी हिरासत में भेजा है। सामने आया है कि एजाज के ज्यादातर क्लाइंट टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोग थे। इन तक ड्रग्स पहुंचाने के लिए अभिनेता व्हाट्सएप के वॉइस नोट फीचर का इस्तेमाल करता था। ऑर्डर मिलते ही यह रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता था। वहीं ड्रग्स को लेकर यह कस्टमर से सीरियल और फिल्म के नाम पर बने कॉर्ड में बात करता था। आपको बता दें कि एनसीबी ने अदालत में बताया था कि उनके पास एजाज खान और शादाब बटाटा के बीच हुई बातचीत का सीरियल, व्हाट्सएप चैट और वॉइस रिकॉर्डिंग है, जिसमें एजाज ड्रग्स का ऑर्डर देते और पैसे को ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। बटाटा ने भी एजाज तक ड्रग्स पहुंचने की बात को एनसीबी के सामने कबूल किया है। एजाज की चैट में खुलासा हुआ है कि उसने लॉकडाउन के नाम पर कई कलाकारों के एक साथ ज्यादा ड्रग्स खरीदने के लिए भी कहा था। आपको बता दें कि एजाज खान इससे पहले साल 2018 में भी प्रतिबंधित दवाई लेने के आरोप में मुंबई पुलिस की नारकोटिक्स सेल द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ऐसा कहा गया था कि जब एजाज को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त वो नशे में था। बहरहाल अब 3 अप्रैल तक एनसीबी एजाज से उसकी कहानी के पन्ने पलट रही है और फिर देखना होगा कि आखिर अदालत का अगला फैसला क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।